हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 एसपी का चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ये कवर अप करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर है ना क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि LMN कंपनी लिमिटेड, इन्होंने डिसाइड किया कि भैया ना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, टू डिक्लेयर द डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करना है, इन विच इट हैज अर्नड प्रॉफिट्स, जिसमें इन्होंने है ना प्रॉफिट अर्न किया है, जो प्रॉफिट इन्होंने जो अर्न किया है वो है ना उनके एक्सपेक्टेशन से कम है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम है ना हुआ है, और उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, उसमें बोला है यहाँ पर कि इस बोर्ड राइट इन रिकमेंडिंग अ डिविडेंड ऑफ ₹5, क्या बोर्ड है ना सही है कि वो ₹5 का डिविडेंड डिक्लेयर करे पर शेयर के पीछे आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स में से वो कर सकते हैं क्या, या कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड थ्रू इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय AGM, अगर AGM में अप्रूव नहीं आया तो क्या बोर्ड डिविडेंड दे सकता है, या फिर कैन द बोर्ड गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स। तो वन बाय वन इन सब क्वेश्चंस के हम आंसर्स देने वाले हैं कि आंसर ए जिसमें येस द बोर्ड कैन रिकमेंड, बोर्ड रिकमेंड कर सकता है कि भाई ₹5 पर शेयर के पीछे वो है ना आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स है ना वो दे सकता है डिविडेंड, क्यों दे सकता है, बिकॉज जो है ना फाइनल डिविडेंड होता है इट कैन बी गिवन, ये है ना दिया जा सकता है, इट कैन बी पेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फ्री रिजर्व्स में से इसको हम पे कर सकते हैं, इसीलिए बोर्ड को ये राइट है, हक है कि वो दे सकता है फ्री रिजर्व्स में से। सेकेंड क्वेश्चन की कैन बोर्ड डिक्लेयर द डिविडेंड थ्रू इट्स अप्रूव्ड AGM, तो अप्रूव्ड AGM विदाउट अप्रूवल इन द AGM क्या दे सकता है क्या, तो है ना बोर्ड कैन नॉट गिव, तो यहाँ पर नो बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द AGM, अगर AGM में एनुअल जनरल मीटिंग में ये अप्रूव नहीं हुआ है तो बोर्ड इसे मतलब यहाँ पे बोर्ड इसे नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर आप बिगिन करोगे, यहाँ पे मैंने नो टाइप करना भूल गई हूं, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि भाई नो बोर्ड कैन नॉट गिव, बोर्ड नहीं दे सकता है, तो आपको इस तरीके से लिखना है कि नो बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर द डिविडेंड इफ इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द AGM एंड डिविडेंड एज रिकमेंडेड, क्योंकि डिविडेंड जो रिकमेंड किया जाता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसका अप्रूवल लेना जरूरी होता है, एंड डिक्लेयर्ड बाय रिजोल्यूशन पास करनी होती है उसके लिए मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में बाय द शेयर होल्डर्स, जो कि है ना बहुत ही कंपल्सरी है, मैंडेटरी होती है कि भाई है ना शेयर होल्डर से रिजोल्यूशन पास करवा के लेना होता है। देन कैन द बोर्ड गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स, गिफ्ट्स के फॉर्म में दे सकती है, तो नो बोर्ड है ना एज अ गिफ्ट नहीं दे सकती, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट है ना डिविडेंड नहीं दे सकती है, तो बोर्ड कैन नॉट गिव डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट के फॉर्म में या फिर है ना कोई काइंड या कोई मटेरियल फॉर्म में नहीं दे सकती, इसमें कैश फॉर्म में दे सकती है, तो यहाँ पर गिफ्ट फॉर्म में नहीं दे सकती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें बोला है कि ABC कंपनी लिमिटेड डिसाइड कर रहा है, डिसाइड्स टू पे इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पे करने का डिसीजन लिया ABC कंपनी ने, तो यहां पर पहला क्वेश्चन है कि कैन इट पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, तो ये है ना जो इंटरिम डिविडेंड है दो AGMs के बीच का जो बीच में जो डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड वो इंटरिम डिविडेंड होता है, तो कैन इट पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, क्या इसको फ्री रिजर्व्स में से पे किया जा सकता है इंटरिम डिविडेंड को, तो इसके बारे में हमको आंसर लिखना है। देन सेकंड क्वेश्चन है कि इज द बोर्ड राइट इन डिक्लेयरिंग द सेम एट द बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर कर सकती है क्या वो ये इंटरिम डिविडेंड सही है क्या डिक्लेयर करना। देन कैन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट द सेम विद इन 30 days ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के 30 days के अंदर है ना कंपनी अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करती है तो सही है क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले कैन इट बी पेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स, हमको यहाँ पर है ना नो लिखना है, क्योंकि ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये फ्री रिजर्व्स में से नहीं दिया जाता है, ये जो डिविडेंड होता है वो करंट ईयर के जो करंट अकाउंटिंग ईयर होता है उसके प्रॉफिट में से डिक्लेयर किया जाता है, तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ
कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व, कोई भी रिजर्व में से नहीं दिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि रिजर्व में से नहीं दिया जाता है ये। एंड देन सेकेंड, यहाँ पर इज द बोर्ड राइट इन डिक्लेयरिंग द सेम एट बोर्ड मीटिंग। तो यस, बोर्ड को पावर है, ये हक है, राइट मतलब उनको हक है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं, वो इंटरिम डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में वो डिक्लेयर कर सकते हैं। देन थर्ड, कैन द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट सेम विद इन 30 डेज। तो हाँ, इंटरिम डिविडेंड, यस इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो उसके 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर ये है ना, डिक्लेयर करने के डेट के 30 डेज के अंदर ये है ना पे कर देना जरूरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है कि राज कंपनी, ये जो राज कंपनी है, राज कंपनी लिमिटेड डिसाइड्स टू पे इंटरिम डिविडेंड। उन्होंने इंटरिम डिविडेंड पेमेंट करने का डिसीजन ले लिया। तो यहाँ पर सबसे पहले, इज द बोर्ड जस्टिफाइड टू डिसाइड इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर इवन दो प्रॉफिट स्टिल डेट आर इनसफिशिएंट। अगर है ना प्रॉफिट, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये है ना करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर वो मतलब है, अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इनसफिशिएंट है, तो क्या कंपनी सही है ये इंटरिम डिविडेंड देने के लिए? आपको इसका आंसर लिखना है। देन कैन द बोर्ड डिक्लेयर इट आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स? फ्री रिजर्व्स में से दे सकती है क्या? तो ये तो हम इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी अपने स्टडी किया कि भाई रिजर्व्स में से नहीं दिया जाता है, कोई भी रिजर्व्स में से नहीं देते हैं ये। एंड कैन बोर्ड डिक्लेयर इट आउट ऑफ कैपिटल? कैपिटल में से दे सकती है क्या? तो यहाँ पर है ना ये तीनों ही केसेस में नो है, बिकॉज नो द बोर्ड इज नॉट जस्टिफाइड टू डिसाइड। बोर्ड को कोई हक नहीं है कि वो डिसाइड करे इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर इफ द प्रॉफिट स्टिल द डे। जो प्रॉफिट है वो जब डिक्लेयर करने की तारीख तक अगर प्रॉफिट इनसफिशिएंट है कंपनी के पास, तो ये है ना इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना सही नहीं होता। बिकॉज क्योंकि इंटरिम डिविडेंड जो डिक्लेयर होता है वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स डिक्लेयर होता है, ये इंटरिम डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स डिक्लेयर होता है। देन सेकेंड, यहाँ पे नो इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ एनी रिजर्व्स, क्योंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं कोई भी फ्री रिजर्व्स या एनी रिजर्व्स में से नहीं दिया जाता ये। सो बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर इट आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, इसके लिए फ्री रिजर्व्स में से ये नहीं दे सकते। देन थर्ड में, कैन द बोर्ड डिक्लेयर इट आउट ऑफ कैपिटल? तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमको जस्टिफाई करना है कि नो द बोर्ड कैन नॉट डिक्लेयर इट आउट ऑफ कैपिटल, इट इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द करंट अकाउंटिंग ईयर, ये करंट अकाउंटिंग ईयर के प्रॉफिट से डिक्लेयर किया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है और कोई डिफिकल्टी भी नहीं आती। अगर आप थरो हो चैप्टर से, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, तो फिर आप इजीली है ना आंसर्स लिख सकते हो। हम यहाँ पे आंसर्स में भी वेरिएशंस होते हैं, लेकिन जो मेन इनके जो कंटेंट होते हैं वो तो हमको लिखने ही होते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर डायमंड कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए उन्होंने डिसीजन ले रहे, कंसिडर कर रहे। इन हाउ मेनी डेज ऑफ डिक्लेरेशन इट शुड बी ट्रांसफर द फंड्स टू डिविडेंड अकाउंट? डिविडेंड अकाउंट में कितने दिनों में ये ट्रांसफर करना जरूरी होता है? देन इन हाउ मेनी डेज इट मस्ट पे टू शेयर होल्डर्स? कितने दिनों में इसे शेयर होल्डर्स को पे करना जरूरी होता है? एंड इन हाउ मेनी डेज द डिक्लेरेशन इट मस्ट ट्रांसफर द फंड्स टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में कितने दिनों में ये ट्रांसफर करना होता है? तो सबसे पहला तो कि जो अमाउंट है डिविडेंड का, द अमाउंट टू बी गिवन एज अ डिविडेंड मस्ट बी क्रेडिटेड, ये क्रेडिटेड होना चाहिए सेपरेट अकाउंट में। इट मस्ट बी क्रेडिटेड इन सेपरेट बैंक अकाउंट इन अ शेड्यूल्ड बैंक विद इन 5 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। इसके डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर ये है ना, डिक्लेरेशन के 5 दिन के अंदर ये सेपरेट बैंक अकाउंट में शेड्यूल्ड बैंक में ये अकाउंट खुलता है, उस अकाउंट में ये ट्रांसफर होना चाहिए। एंड इसके बाद में यहाँ पे इन हाउ मेनी डेज ये पे होना चाहिए? तो 30 डेज। तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड शुड बी पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। एंड जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट होता है उसका उसमें कब ट्रांसफर होता है? तो जब भी अनपेड और अनक्लेम्ड मनी होता है, अनक्लेम्ड और अनपेड
अनपेड मतलब अभी तक अगर शेयर होल्डर्स को दिया नहीं है, अनक्लेम मतलब किसी ने क्लेम ही नहीं किया इस पैसे का, इंटरिम डिविडेंड का, तो ये इट शुड बी ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो फिर उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में विद इन 7 डेज ऑफ द एक्सपायरी, एक्सपायरी मतलब देखो 30 दिन का तो पहले का ही टाइम पीरियड दिया हुआ है कि भाई विद इन 30 डेज है ना आप ट्रांसफर कर दो, मतलब आप डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद पेमेंट कर दो। लेकिन अगर नहीं किया 30 दिन तक तो अगले 7 दिन का समय और रहता है, और जब 7 दिन का समय भी खत्म हो जाता है तो टोटल 37 डेज मतलब एक तरीके से 37 डेज के बाद में ये डिक्लेरेशन के 37 डेज के बाद में ये है ना डिविडेंड अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है, डिफिकल्टीज नहीं आएगी आप लोगों को, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। आपको है ना समय दर समय इन सब चीजों की प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पे बोला है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ स्टार कंपनी, स्टार कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है विच इज लिस्टेड, जो कि ये जो कंपनी है स्टार कंपनी, ये लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, शेयर मार्केट में इसका जो है स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें है ना शेयर है ना उस स्टॉक एक्सचेंज में उसकी लिस्टिंग करवाना, उसका नामांकन मतलब करवा के लेना। तो लिस्टेड कंपनी रेकमेंड्स अ डिविडेंड ऑफ ₹15 पर शेयर टू बी पेड इन कैश, तो वो क्या कैश में पे करना चाहिए। देन इज इट जस्टिफाइड टू पे, यहाँ पर इज इट जस्टिफाइड टू पे द डिविडेंड फर्स्टली टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्या है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले डिविडेंड देना जरूरी है एंड देन आफ्टर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो ये चीज तो हमने स्टडी की थी पहले भी कि हाँ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलता है और बाद में है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। ये लोग रेसिडुअल ये जो है इनको रेसिड्यूअल जो बचा कुचा होता है वो मिलता है उसमें से मिलता है। तो यहाँ पर सेकंड इज द एजीएम रिक्वायर्ड टू अप्रूव द सेम, एजीएम में ये अप्रूवल लेना जरूरी होता है, उनको अप्रूव करना जरूरी होता है, तो हाँ ये भी बात सही है। देन लास्ट कैन द कंपनी पे डिविडेंड इन कैश, क्या रोकड़ा में पे कर सकती है कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है क्या, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है डिविडेंड, तो यस इट इज जस्टिफाइड टू पे द डिविडेंड फर्स्टली टू इट्स प्रेफरेंशियल होल्डर्स, क्योंकि उनको है ना फिक्स रेट, उनका जो है ना डिविडेंड होता है वो फिक्स परसेंटेज फिक्स रेट पर उनको दिया जाता है एंड देन आफ्टर टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि प्रेफरेंशियल होल्डर्स है ये है ना हकदार होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू द डिविडेंड बिफोर इट इज पे टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के पहले इनको मिले उसका हक, उनका हक होता है एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू, क्योंकि जब इश्यू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स तो उसमें है ना ये टर्म्स लिखे होते हैं कि भाई आपको पहले डिविडेंड मिलेगा बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं दे विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट्स, जो बचा कुचा होता है आफ्टर पेइंग टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, जो लास्ट में सारे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद में इंटरेस्ट वगैरह सब पे करने के बाद में लास्ट में जो बच जाता है बचा कुचा, जैसे घर में कैसे मम्मा कुछ बनाती है तो सबके खाने के बाद मम्मी खाती है, तो यहाँ पे है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को बचा कुचा लास्ट में मिलता है, उसमें से मिलता है इनके हक में वो आता है। नाउ इज द एजीएम रिक्वायर्ड टू अप्रूव द सेम, तो यस एजीएम में इसकी है ना अप्रूवल जरूरी है, तो यस एजीएम इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव द डिविडेंड, अप्रूव द डिविडेंड एंड डिविडेंड इज अप्रूव्ड बाय द, कौन अप्रूव करता है, तो इट इज अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स और वो बाय पासिंग द ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते ही एनुअल जनरल मीटिंग में, तो एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, दैट इज मस्ट, ये मस्ट होता है जो कि शेयर होल्डर्स अप्रूव करते हैं। देन थर्ड कैन द कंपनी पे डिविडेंड इन कैश, तो यस कंपनी है ना मस्ट पे, उनको कंपल्सरीली पे करना चाहिए इन कैश, रोकड़ा में, मतलब रोकड़ा मतलब बैंक खाते में पैसा आ जाएगा, डिविडेंड बैंक में क्रेडिट हो जाएगा बैंक अकाउंट में, लेकिन है ना नॉट इन काइंड, लेकिन कोई मटेरियल हुआ, कोई गिफ्ट एज अ गिफ्ट, कोई अदर मटेरियल्स हो गए तो वो गुड्स वगैरह ये सब नहीं चलता है, रोकड़ा मतलब इन कैश होना चाहिए एंड डिविडेंड में भी पेड बाय चेक, चेक और वारंट, डिविडेंड वारंट के थ्रू दिया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है शेयर होल्डर के खाते में। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अभी लास्ट हमारा जो है वो बचा है 6th जो जस्टिफिकेशन है 6th वन कि गोल्ड कंपनी लिमिटेड, तो गोल्ड कंपनी लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ ₹10, 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है पर शेयर, पर शेयर के पीछे पर फाइनेंशियल ईयर FY मतलब फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इस कंपनी अंडर डिफॉल्ट
इफ डिविडेंड वॉज नॉट पेड विद इन 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक बार डिविडेंड और उसके 30 दिन के अंदर अगर वो पेमेंट नहीं करते हैं तो क्या वो डिफॉल्टर कर जैसे आप लोग फी पेमेंट, अगर इनकेस किसी भी कारण से फी पेमेंट नहीं कर पाए तो डिफॉल्टर लिस्ट में कैसे नाम आ जाता है, तो सेम वे कंपनी का भी डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आ जाता है, तो ये बात सही है। देन नेक्स्ट क्या है, इस कंपनी राइट, मतलब कंपनी को कंपनी इज एंटाइटल, उनको हक है क्या इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड टू इट्स डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, तो डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर से क्या लेना देना हुआ शेयर्स का, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पर। एंड डज द कंपनी हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू IEPF आफ्टर 30 डेज, क्या IEPF जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि IEPF ये जो है यहाँ पर, तो ये जो है ये इसके लिए तो 7 साल का इंतजार करना पड़ता है, IEPF में थोड़ी ना है ना 30 डेज में ट्रांसफर होता है, 30 डेज में ये ट्रांसफर नहीं होता है, तो यहाँ पर ये 7 साल का इंतजार करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो ए पार्ट है उसको हम ए जो है उसको लिखेंगे कि भाई हाँ यस द कंपनी इज इन डिफॉल्ट, कंपनी डिफॉल्ट लिस्ट में आ जाती है इफ, अगर है ना कंपनी, अगर कंपनी पेमेंट नहीं करती है डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर, अगर पेमेंट डिविडेंड का पेमेंट नहीं करती है तो फिर वो डिफॉल्टर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। और एज पर द रूल कंपनी को क्या करना होता है, ये तो कंपल्सरी है ना कि कंपनी मस्ट पे डिविडेंड विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर कंपनी ना डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड है ना पे कर दे फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तो 30 दिन के अंदर उनको देना जरूरी हो जाता है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को है ना ये डिविडेंड जो उन्होंने डिक्लेयर किया 30 दिन के अंदर दे दे। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन, इज द कंपनी राइट, कंपनी को हक है क्या, कंपनी को क्या हक है कि वो लोग है ना अनपेड डिविडेंड को डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में, तो ये गलत हो जाता है, नो द कंपनी इज नॉट राइट इन ट्रांसफरिंग द अनपेड डिविडेंड टू इट्स डिबेंचर रिजर्व अकाउंट, डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में नहीं डाल सकती है कंपनी, है डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में नहीं डाल सकती है, तो फिर यह कहाँ जाता है, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो होता है विच रिमेन्स अनपेड, जो कि है ना अनपेड रह जाता है वो कहाँ जाता है, तो वो अनपेड या अनक्लेम्ड है तो वो ट्रांसफर किया जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, डिबेंचर रिजर्व अकाउंट में नहीं जाता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जाता है जो कि ओपन किया जाता है दिस अकाउंट, जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट है कहाँ पे ओपन करते हैं, तो शेड्यूल बैंक में ओपन किया जाता है, कौन ओपन करता है इसको, तो इट इज ओपन बाय द कंपनी, कंपनी इसको ओपन करती है। नाउ नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है कि डज द कंपनी हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू IEPF आफ्टर 30 डेज, तो IEPF इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड है में कब ट्रांसफर होता है, तो नो यहाँ पर द कंपनी डज नॉट हैव टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड टू IEPF आफ्टर 30 डेज, 30 डेज में नहीं है तो 7 ईयर्स जैसे मैंने आपसे कहा, तो एज इट इज मैंडेटरी टू एनी अमाउंट इन द अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ अ कंपनी विच रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, अगर 7 साल के लिए वो है ना अनपेड या अनक्लेम्ड रहता है जो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में होता है, पहले अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर होता है फिर उसमें 7 साल तक पड़ा रहता है, अगर उसमें पड़ा है अगर किसी को नहीं दिया तो फिर वो सारा का सारा पैसा 7 साल के बाद में है ना ये ट्रांसफर हो जाता है, कंपनी इसको ट्रांसफर कर देती है, सच ट्रांसफर शैल बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के अकाउंट में चला जाता है, IEPF के इसमें चला जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ओपन ये इंस्टीट्यूशन है। तो आई होप इस आपको सारी जो जस्टिफिकेशन के ये जो सॉरी केस स्टडी के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया है, तो जल्दी ही मैं आपको है ना आगे की जो एक्सरसाइज बचे हुए जो क्वेश्चन है उसके भी मैं जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगी, तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।